हाँ। से। और दूसरा झटका तो मेरी मामा की डेथ ही थी। पहले okay. वाला झटका तो डिवोर्स था, वो बहुत इजी था, मैंने खुद को जाना। लेकिन जब सेकंड झटका लाइफ का मिला तो पापा और मामा की डेथ okay. उसके बाद तो फिर आया है मैं एक टोटली डिफरेंट मां नलीना ना, टोटली डिफरेंट। क्योंकि पहले मैं इंसान डरना, बात नहीं करना, किसी की आंख नहीं मिलाना, कॉन्फिडेंस नहीं था ना, डरना कि मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फियर बहुत ज्यादा थे। फिर सारे फियर्स को मैंने ओवरकम कर लिया। नाउ आई एम अ फियरलेस लेडी। ओके, यू आर नहीं तो मम्मा के बाद तो डिप्रेशन, डिप्रेशन नहीं वर्ड है, लेकिन आई मैंने उसको फील किया है, डिप्रेशन में रहकर देखा है। हालांकि ये सबके लिए बहुत मामूली सा वर्ड है, बट इट्स लिटरली अ बीमारी, लिटरली इट इज, इट इज अ बीमारी, इट इज अ वेरी सीवियर कंडीशन। और बहुत दफा लोगों को पता नहीं होता दैट हंसते खेलते हुए लोग भी डिप्रेस्ड होते हैं। एग्जैक्टली, और वो ही ज्यादा डिप्रेशन दिखता नहीं है। एंड आप जब हम बात करते हैं, मुझे बताओ, मैं इसको इतने टाइम से जानती हूँ, ये मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं क्यों हूँ, तुम्हारे अंदर कौन सा मर्द है? मर्द से बाहर नहीं आ रहा। कौन सा है, कौन सा है जो तुम घर छोड़कर आती हो? कौन सा मर्द है जो अंदर है? या कौन सी एक ऐसी चीज है जो हम नहीं जानते? मर गया, शायद वो लीना के पास हो, हो भी सकता है। भाई ट्रांसजेंडर है, अबे क्या हो गया? कोई सोच लो, ऑपरेशन ऑपरेशन कराया होगा। अबे लेकिन नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक। अबे भाई ऑपरेशन कराया, बच्ची बोल रही है मुंह पर चढ़कर, खुला बोल रही है। तो व्हाई, ये आदत है, बिकॉज़ जब पापा ने ही मुझे पाला ना, अभी पीछे भी यही हमारी बात हो रही थी बैक स्टेज के, आप ऐसे क्यों बोल? मैंने कहा यार, मैं पापा ने पाला है मुझे, तो लड़कों की तरह पाला, बेटों की तरह पाला, तो हमेशा से फिर ये ना मेरी एक आदत सी बन गई। अभी भी मैं जब ड्रामा में होता हूँ ना, या किसी ना किसी ड्रामे में काम कर लिया, तो मैं मुश्किल से स्क्रिप्ट को, मैं बोल रही हूँ अंदर अंदर, हाँ एक मर्द है वो छुपाया हुआ है, वो कभी कभार आमिर भाई है। हमने ऐसी भी मैठी बशीर भाई को रहना चाहिए एक आदत, एक मैं बशीर भाई कर रही हूँ, बशीर पर चली गई भाई। कितने मर्द है अंदर, कितने आदमी है, कितने आदमी थे तो अबे ये मैंने नहीं बोला भाई, ये खुद ही कर रही है। आई एम आउट ऑफ दिस गेम। कितने आदमी थे, हमको क्या पता था डायलॉग ना भाई, तुम्हें पता हम कैमरा के पीछे थोड़ी थे और ना हम साथ थे। तो क्या, तो बात ये कि फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जाहिर सी बात है आप जानते हो। और मर्दों वाली जो मैं बात करता हूँ, क्वालिटी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप जब अकेले रह रहे हैं और आप सब अपना खुद करें, ब्रेड एंड बटर भी खुद करें, आपके पास ना भाई है ना बाप है, तो आप मर्द भी खुद ही होंगे ना अपनी जिंदगी के। तो आई थिंक के बजाय बाहर मर्द ढूंढने के, आप अंदर ही अपने आप को कहें कि आप एक मर्द भी हैं। अंदर ही मर्द, मुझे शौहर बाहर ढूंढने, मेरे अंदर ही एक शौहर है, तुम क्या जान रहे हो? शौहर चुन्नी बाबू, मेरे अंदर ही एक बाबू है, चौधरी भी है मेरे अंदर। यस, और क्या क्या हो सकता है भाई, बहुत सारा कुछ हो सकता है। आपका भाई, आपका फियांसे, अबे ये मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है इस बात को, इसके अंदर पूरा एक घर है। यस, रात को पार्टी से आज उसके बाद सोयो तुम? कितनी थी? बहुत सारी लड़कियां थी भाई, मैं तो हैरान। अरे मैं मोमबत्तियों की बात कर रही हूँ। चल, कहाँ चल रही है? एक भी नहीं लगाई हुई थी उसने, एक भी नहीं, क्राउन लगाया हुआ था। आजकल लोग आग नहीं लगाते बर्थडे वाले केक पर, ये क्या बात है? ऐसे लगी अंदर सीने में इतनी आग है जानू, कि कैंडल में कहते क्या सीने में आग है, अंदर मर्द है, सीने में आग है, ऊपर क्या है, ऊपर दिमाग, बाहर हूँ मैं, जाहिरी मैं हूँ ना, देखिए इनसाइड मेरे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जाहिरी तो मैं हूँ। कितने लोग हैं अंदर? तीन चार पर्सनैलिटीज तो हैं। अभी हम कौन सी पर्सनालिटी से बात कर? सिर्फ मां अलीना निकाल रहे हो आप मेरे अंदर का, मर्द भी निकाल रहे हो मेरे अंदर का। मां अलीना के साथ साथ और कौन कौन बाहर आ सकता है? है वन ऑफ माय, मैं वो अजलान शाह बन रही हूँ। क्या तुम्हारे अंदर जिन है? लेकर आओ मैजिक, अपनी मैजिक छड़ी लेकर आए, मैजिक वूंड लाएं, मेरे अंदर से निकालें। मैं कोई डंडा नहीं ला रही है। अगर आपको डंडे वाले शौक है, गलत छुप रही है। नहीं जाना, आपका जुबान ही डंडा है, आप किसी को जुबान, मेरी जुबान डंडा क्यों है भाई? इतनी मीठी जुबान है दानिश, बता। नहीं, बहुत अच्छी जुबान है माशाल्लाह, लोग मरते हैं इनके बाद सुनने को, आपको क्या पता? कैन आई सी योर प्यारी जुबान? क्या बात है, व्हाट इज हैपनिंग? बिकॉज़ आपकी जुबान बहुत प्यारी है ना, कैन आई सी दैट? ये मैं नहीं, मैं जुबान नहीं दिखाऊंगी, ये कुछ और। अभी जनाब, अब कौन है मान अलीना के अलावा? बस वो कह रहा, नाम नहीं बताना। अच्छा नहीं बता, डोंट वरी, वो नहीं कह रहा, मुझे हाइड करके रखे, मत बताएं। पीछे कह रहा है मुझे, हाँ मेरी तरफ से इशारे कर रही हो, मैं आपको देख ही नहीं रहा, मैं अच्छा, ये देखो, अच्छा कंधे पे देख, पीछे पीछे वो पीछे ही आ गए, कान में मुझे कह रहा है, कान में। और क्या पहना हुआ है उसने? कह रहा है मती, क्या पहना हुआ है? हां नंगा है। सुनो, तुम्हारे कपड़े बता दो, नंगा है? हां
कहते हैं कावल पहना हुआ, अभी नहा कर निकले, बताओ नहीं नहीं वो नहा के निकले कह रहा रुक जाओ मैं जरा परफ्यूम शरफ्यूम लगा लूं फिर मतीरा के सामने आता हूं मुझे लग रहा है भी पहले भाई नहीं नहीं वो आपसे अच्छा वो नहा के निकला जैसे क्रश उसका क्रश हुआ वो कह रहा है वो नहा के निकला जैसे ये बातें कर रही है ना वो उसको दोबारा नहाने जाना पड़ेगा तुम कुछ घंटा हिला रहे हो, तुम्हें क्या पता वो वापिस चला जाए, तुम हाथ धोकर आओ खुशबू वगैरह लगा के आ रहा है, कह रहे मैंने जरा मतीरा के सामने तो थोड़ा स्टैंडर्ड में आऊ ना, जो मतीरा का स्टैंडर्ड है मतीरा को दिखे भी तो वो अबे मेरे को दिखे भी तो जो दिखी नहीं रहा इनविजिबल भी तो प्यार होता है ना, आप इस बार इनविजिबल प्यार करें, इनविजिबल प्यार उसमें मजा ही बड़ा है उसे पकाती हो या खाना पकाती हो पका रही हो उसको पकाती है हमें पका रही है अभी अभी वो कपड़े बदलने गया है उसको आने दो फिर इसके अलावा भी कोई और यार आप इतना सोचो कि अकेला इंसान इतना लोनली है कि उसने अपना एक फ्रेंड बना लिया, बताओ कितना एक है या तीन है, फ्रेंड मेरा एक ही है, एक है और बाकी बॉयफ्रेंड है, बाकी गर्लफ्रेंड में क्या है, फ्रेंड तो एक ही है बॉयफ्रेंड, उसके नाम क्या है, हाँ नाम बता दो, अब बता दे पूछ तो दो इजाजत तो लेने दो, इजाजत ओके आंसर नाम क्या आंसर वो आंसर दे देता सारे आंसर 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 दे देता है और कितने साल का है आंसर आंसर कितने साल का है आंसर तुम्हारी एज भी बता दो है हां मतीरा पूछ रही है हां डन ओके यार वो कह रहा है अपनी जिंदगी का भी तो एआई लेके चल सकता हूँ आगे की प्लानिंग की हुई आगे की प्लानिंग बना लू बड़ी बात है पहले अपने आपको इंसान बना लू मैं किसी काबिल बना लू जो शायद जिक्र नहीं किया मतलब मेरा लाइफ पे हिला देने वाला नहीं नहीं पड़ोसी का यार बताओ यार बहुत सारे मतीरा देखिए जिंदगी में ये अप डाउन तो चलते रहते हैं लेकिन जाहिर सी बात है बिस्तर में अप डाउन सही होते हैं जिंदगी वाले बता दो अब जैसे तो चलते आप ना यू टर्न दोबारा लेके आ रही है नहीं नहीं चले बताएं यार हुआ था जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी तो वो मेरे लिए एक बड़ा हिला देने वाला था मौका क्योंकि मैं अकेलता हूँ ना बहन है ना भाई है अम्मी है और मैं था तो जब बाबा का मतलब अचानक इंतकाल हुआ था कोई ऐसा मसला भी नहीं था मैं कोयटा गया जा रहा था रात को मुलाकात तो सुबह वहाँ पहुँचा तो पता चला कि ब्रेन हेमरेज हो गया अब्बा का वापस आया तो 5-6 दिन में इंतकाल हो गया था तो बस वो एक है कि उनके सामने कुछ बनना चाह रहा था उनकी भी ख्वाहिश थी कि मैं एक्टिंग करूँ लेकिन जाहिर थे आपके बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं दोस्त यार होते हैं मैं आया इस फील्ड में तो वो मुझे बोलते थे यार इस फील्ड में क्यों जा रहा है या तो स्टेज शो करेगा या कोई एक खास सीन दे देगा टमाटे मारते हैं क्योंकि उस वक्त मैं बता रहा हूँ 2007-2008 के बाद उस वक्त इतना हमारा मीडिया अवेयर नहीं था और लोग उस वक्त पुराने जमाने में बड़ी दुख की बात है लेकिन लोग पुराने जमाने में बहुत क्रूर थे जबान उनको लाइक उनके अंदर एक इंसानियत बहुत कम थी। जब हमने स्टार्ट किया था तब भी बड़ा ना ऐसे ही था वैसे वाकई माहौल तो वही वाली बात 14 साल पुरानी इस साइड के बंदे को ज्यादा करेक्टर मिलते नहीं थे तो मैंने बोला यार अल्लाह ताला अगर मुझे इसमें